लोग इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं जाती। मासी से करवा लूंगा, मैं करवा रही हूँ ना सियान। नहीं मासी, मासी मासी बस 5 मिनट और लगेंगे बच्चों, फिर राजमा राइस रेडी। मेरा क्लाइंट न्यूयॉर्क में है, तो जब उनके वहाँ दोपहर होगी तो हमारे यहाँ आधी रात होगी, पर मुझे तो उनके हिसाब से ही जगना पड़ेगा ना। ये ना मासी को दे आओ, प्रीतो मासी को। इसका मतलब पुनीत ने मेरे दूध में नींद की गोली मिला दी थी। शनाया मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। प्लीज मासी, प्लीज प्लीज। मतलब नहीं। चलो अच्छा ही है, शनाया को एक थप्पड़ पड़ना जरूरी था। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को मॉल जाना है तो जाओ। शनाया मेरे साथ चलो। मासी ने मेरे को थप्पड़ मारा पापा। कोई बात नहीं बेटा, मैं मासी से बात करूंगा। मेरे को लगा भले ही मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, पर मासी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मैं गलत थी। नहीं बेटा, मासी तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं करती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि इस प्यारी सी बच्ची से कोई बात ना करे? मासी, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के चली तो गई, पर मेरा मन ही नहीं माना तो मैं गली के कोने से ही वापस आ गई। पीतो तुम तो शनाया से इतना प्यार करती हो, तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुम भी कहीं पुनीत की तरह शनाया के साथ भेदभाव करना तो नहीं शुरू हो गई? बिल्कुल नहीं, मैं क्या अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर सकती हूँ? ये सब कुछ तो मैं पुनीत को लाइन पे लाने के लिए कर रही हूँ। पर इसको थप्पड़ मार के पुनीत लाइन पे कैसे आएगी? मैंने हर तरीका यूज करके देख लिया, लड़ाई झगड़ा गुस्सा सब कुछ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये ट्राई करके देखूं। माँ जब अपने बच्चे को मारती है या उसके साथ बुरा बर्ताव करती है तो उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, पर कोई और उसके बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करे, भेदभाव करे, तो उसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती। ये बात तो सही है। आप देखना, पुनीत से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं इसके साथ बुरा बर्ताव करूं, और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तुमने तरीका तो बहुत अच्छा चुना है, अब तो बस मैं यही दुआ करता हूं कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। I'm so sorry शनाया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं बचा था, मैं क्या करती? तुम प्लीज मेरा इसमें साथ दे दो। ठीक है मासी, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। That's like my girl, शनाया। Thank you। मैंने अनाने और सियान को भी इस प्लान के बारे में बता दिया है और वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा चलो, अब मैं ना अनाने और सियान के साथ मॉल जाती हूँ, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, और मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। ओके मासी। देखा, मैंने कहा था ना मासी तुमसे बहुत प्यार करती है। काश मामा भी मुझसे ऐसा प्यार करती हो। Later. आज तो मॉल में बहुत मजा आ गया। मासी यू आर द बेस्ट। पापा आज तो हमने मॉल से चिप्स भी लिए। अरे तुम लोग चिप्स लेकर आए हो? मेरे और बनाने दीजिए। और मेरे लिए? तेरे लिए तो नहीं लाए। अरे यार आप लोग शनाया के लिए भी ले आते ना। कोई जरूरत नहीं है जीजू, जो गया बस उसी के लिए ले आए। तुमने बच्ची का दिल दुखा दिया। वो बच्ची इसी लायक है
कमाल है। अच्छा ना क्या हो गया, कल तक प्रीतो शनाया पर जान छिड़कती थी, ये अचानक क्या हो गया जो उसका बर्ताव इतना बदल गया। बेचारी शनाया, प्रीतो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है। चलो मुझे क्या। शनाया। हाँ जी मासी। ये लो तुम्हारे हिस्से के चीज। थैंक यू मासी, वैसे आप नहीं भी आते तो भी चल जाता। अरे ऐसे कैसे चल जाता। बेटा जी अपने हक के लिए लड़ना सीखो, जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए। अगर तुम हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करती रहोगी ना तो लोगों को आदत पड़ जाएगी तुम्हें दबाने की। तो फिर आप इतनी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट कैसे बने। मेरे स्कूल में एक मैथ्स की टीचर थी, मिसेस नेहा। वो इतनी काली थी, यू वोंट बिलीव शनाया, तुमसे भी काली, मुझसे भी ज्यादा काली। अच्छा। हाँ, पर वो इतनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, हेल्पफुल। और तुम्हें पता है शनाया, उनकी वजह से मैंने पूरे स्कूल में मैथ्स में टॉप किया था, क्योंकि वो पढ़ाती इतना अच्छा थी। वाओ। हाँ, अब वो पता है कहाँ है। कहाँ? वो अब हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। उनके अंडर 100 टीचर्स काम करती हैं। इतनी सारी टीचर्स तो वो संभालती हैं। सब उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसी को भी, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इतनी काली हैं। सब मिसेज नेहा की कैपेबिलिटीज के लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस फिर मैंने भी उनको अपनी इंस्पिरेशन बना लिया और बस उन्हीं के नक्शे कदम पर चली। तो मासी मैं भी उनको अपनी इंस्पिरेशन बना लूं क्या। थैंक यू मासी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो। हाँ बेटा जी, अब आप अपनी बुक रीड करो, मैं जाती हूँ। और वैसे भी हमारे नाटक के क्लाइमेक्स का टाइम आ गया है। ओके। लेटर। तुम मेरे पास यहाँ मत खड़ी हो, दूर जाके बैठो। मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चना बेटा, यहाँ बैठ जाओ बेटा। यहाँ भी नहीं बैठेगी वो, उसको बोलो दूर जाके बैठेगी। अरे पर क्यों? वो मेरे पास बैठेगी तो मैं काली हो जाऊंगी ना। ये क्या बात हुई, तुम पहले ही इतनी काली हो और कितनी काली हो जाओगी। हाँ मैं काली हूँ, इसलिए सारी काली चीजों से दूर रहती हूँ। हाँ, और मासी ने तो मौज से ब्लैक डस्ट लेने से भी मना कर दिया था। देखा शनाया, तुम उठो, तुम दूर जाके बैठो। अनन्या बेटा, तुम मेरे पास आके बैठो, मुझे न सिर्फ गोरे लोग ही पसंद है। प्रीतो, तुम पहले तो शनाया की बहुत साइड लेती थी, ये अचानक क्या हो गया। बस मेरी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है, उल्टी आती है मुझे इसको देखकर। तुम उठो, वहाँ कोने में जाके बैठो, मेरे पास मत बैठो। प्रीतो तुम ऐसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं जिसको जो बोलूंगी मेरी मर्जी, आप कौन होते मुझे मना करने वाले। बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना मेरे सामने नहीं खड़ी हो सकती, और तुम्हारे को बोल रही हूँ मैं, यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। प्रीतो तुम मेरी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया मेकअप चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मेरा मेकअप ज्यादा अच्छा था। नहीं, मेरा मेकअप ज्यादा अच्छा था। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक किया। कमेंट करके बताना किसका ज्यादा अच्छा था।